मुहाफिज कानून की धज्जियां उड़ाने लगी। शेर जवानों का एक और कैफे पर धावा, मॉडल टाउन पुलिस का ग्लोरिया जीन्स कैफे पर धावा, कैफे इंतजामिया पर तशद्दुद किया। पुलिस तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर। लाइसेंस पिस्तौल बरामद होने पर कैफे मालिक और मैनेजर को थाने ले गए। थाना लेकर जाकर भी तशद्दुद का निशाना बनाया। कैफे इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है, पुलिस ने 3 से 4 घंटे हबसे बेजामे रखने के बाद छोड़ दिया। इंतजामिया का ऐसा भी बताना है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे ये क्या मामला था। इरफान जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज ग्लोरिया चीन जो कैफे है यहाँ पे पुलिस की जानिब से एक रेड की गई, और इस रेड के दौरान जो कैफे इंतजामिया थी उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया मुबैना तौर पे, और उनको हबसे भेजा में भी रखा गया। ऐसा कहना है कैफे इंतजामिया का, जबकि दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ग्लोरिया जीन्स के ऊपर पुलिस को इत्तला मिली थी कि कुछ लोग असले की डील कर रहे हैं, और इसी हवाले से जब वहाँ पे कार्रवाई की गई तो पूछताछ की गई तो इंतजामिया की जानिब से उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और उनकी जानिब से जो पुलिस एहलकारों को संगीन नतज की धमकियाँ गई। इस हवाले से SP मॉल्टन दोस्त मोहम्मद खोसा का कहना था कि जब ये छापा मारा गया तो इस दौरान इंतजामिया ने क्योंकि एहलकारों के साथ जो है बिहेव किया और उन्हें संगीन नतज की धमकियाँ गई, तो इस हवाले से इनको थाने में बुलाया गया था, लेकिन ये थाने में भी ना आए और इनके खिलाफ जो है वो जो लोग असले की डील कर रहे थे उस हवाले से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी इरफान मलिक, तो ये अब एहतजाज भी किया जा रहा है ग्लोरिया जीन्स पर असले की डील के हवाले से, SP मॉडल टाउन का क्या कहना है? अजीब बिल्कुल, आपको बताएंगे ये क्योंकि गुज़िश्ता रोज रात के वक्त जो है वो SP मॉल्टन पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई, और इस हवाले से SP मॉल्टन का ये कहना है कि क्योंकि पुलिस को वहाँ पे इत्तलात मौजूद थी कि कुछ लोग जो हैं वो असले की डील के हवाले से वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो इस पे जब पुलिस ने वहाँ पे चेकिंग की तो इस दौरान जो इंतजामिया थी उनकी जानिब से ग्लोरिया जीन कैफे की इंतजामिया की जानिब से जो मौजूद पुलिस एहलकार थे उनको जो है वो हरासा किया गया, और उनको अपने जो कार सरकार है उसके अंदर मुदाखलत करते हुए उनको अपनी ड्यूटीज जो है वो सर अंजाम नहीं देने दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने जो मैनेजर थे उनके पास भी क्योंकि वेपन मौजूद था और उनसे जब उसके लाइसेंस के बारे में पूछा गया था तो वो अपना लाइसेंस शो नहीं कर सके, इस वजह से उनको थाने लाया गया था ताकि वेरिफिकेशन की जाए, और जब उनके लाइसेंस की वेरिफिकेशन होगी तो उसके बाद छोड़ दिया गया। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको 3 से 4 घंटे जो थे 3 से 4 घंटे तक हबसे बेजा में रखा गया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इरफान मलिक मौजूद थे, तफसीर नागाह कर रहे थे।